नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत लाइव। पगाम पुलिस जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र के पतलार बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में गुरुवार को पतलार श्री हरिहर उच्च विद्यालय के जाने माने पूर्व प्रचार पंडित भरत उपाध्याय के सम्मान के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चौतरवा थाना के प्रशिक्षु DSP रोशन कुमार गुप्ता तथा थाना प्रभारी शंभु चरण गुप्ता के साथ पतलार के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सर्वप्रथम प्रचार तथा पुलिस पदाधिकारी गणों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। उसके बाद प्रचार पंडित भरत उपाध्याय का सबों ने मिलकर स्वागत किया। वहीं सम्मान समारोह के दौरान प्रशिक्षु DSP ने प्रचार को फूलों की माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और कहा कि एक शिक्षक अपने शिक्षण काल में समाज व देश को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए अनेकों छात्रों को काबिल बनाने का अथक प्रयास करने का काम करता है। भाग्यशाली हूं, आज हमें उन महान व्यक्ति का सम्मान करने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। उन्होंने वृक्षारोपण को लेकर बताया कि आने वाली पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित व सुनहरा हो सके। अब प्रकृति के साथ रहकर मानवता की रक्षा करने का समय आ गया है। हर व्यक्ति को प्रकृति और समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए यह कार्य करना चाहिए। वही थाना प्रभारी शंभु चरण गुप्ता ने कहा कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है तथा पतलार के लोगों द्वारा इन्हें सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बता दें कि पंडित भरत उपाध्याय ने 23 जुलाई 1984 को श्री हरिहर उच्च विद्यालय पतलार में अपना शिक्षण कार्य शुरू किया था तथा 31 जनवरी 2020 को हरदेव प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मधुबनी से सेवानिवृत्त हुए थे। पतलार के समाज सेवी देवी दत्त मालवीय, अशोक राव, संतोष सिंह राठौर समेत कई लोगों ने बताया कि गुरुजी ने अपने शिक्षण काल के दौरान हजारों छात्रों के मन में जगह बनाया, जिसको लेकर आज पतलार में गुरुजी के शिष्य उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। समारोह के अंत में पूर्व प्रचार्य काफी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली हूँ कि इस धरती पर सेवा शुरू करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था तथा विद्वानों की धरती पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए प्रकृति से जुड़े रहने का आह्वान किया तथा आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने के साथ उन वृक्षों के संरक्षण करने की अपील भी किया।